ओम शांति। आज की तारीख है 2/5/24 और आज घटकों पर सब जोन की यज्ञ माता यानी बीज स्वरूप विजय लक्ष्मी बहन की पुण्य तिथि है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान बनाने की सेवा करो, जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सा प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते कि बच्चे, मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा, तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में तो हरेक को जाना ही है, कोई चाहे न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, इस शरीर को भी भूलकर पूरा पवित्र और बेघर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है बुद्धि में रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। नंबर दो, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतींद्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान सतगुरु शिव पिता का, बुद्धि के साथ सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि के साथ सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोगी की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, ये है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो, सदा यही सिमरती रहे कि गॉडली गार्डन में। ध्यान से सुनो, बहुत आपको सुनकर आनंद आएगा और खुशी मिलेगी। सदा यही सिमरती रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं, इसमें सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और
संतुष्ट करना। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।